तुर्की में पूरा हुआ भारत का ऑपरेशन दोस्त। इंडियन आर्मी की टीम C-17 ग्लोब मास्टर से हिंडन एयरबेस पर उतरी। तुर्की में भूकंप के बाद शुरू हुआ भारत सरकार का ऑपरेशन दोस्त पूरा हो गया है। इंडियन आर्मी की टीम भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से सोमवार सवेरे लौट आई। इस विमान ने सुबह करीब 10 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड किया। आर्मी टीम जब तुर्की से रवाना हुई थी तो बहुत सारी यादें लेकर और देकर आई। वहां पर कई सारे दोस्त बनाए। एक वॉलंटियर ने अपनी टी शर्ट पर इंडियन आर्मी के तमाम जवानों से सिग्नेचर करवाए। जवानों ने वहां के लोगों के संग फोटोशूट कराया। इससे पहले NDRF के सभी 151 जवान भी 3 फ्लाइट से रविवार सुबह तक वापस आ चुके हैं। भारत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके बताया, तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत तैनात इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम भारत में पहुंच गई है। 99 सदस्य टीम ने सफलतापूर्वक स्कैंडरून में 30 बिस्तर वाले फील्ड हॉस्पिटल की स्थापना की और चलाया। इसमें लगातार 24 घंटे करीब 4000 रोगियों की देखभाल हुई। आगरा में 7 पैरा फील्ड हॉस्पिटल से इंडियन आर्मी की 99 सदस्य मेडिकल टीम 7 फरवरी की सुबह वायुसेना के स्पेशल विमान में तुर्की गई थी। फील्ड हॉस्पिटल की चिकित्सा अधिकारी मेजर बीना तिवारी ने कहा, हम ऑपरेशन दोस्त पूरा कर भारत वापस आए हैं। तुर्की में अस्पताल स्थापित करने के 1-2 घंटे में हमने मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया था। वहां हमारी मदद करने के लिए तुर्की सरकार को धन्यवाद करते हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।